चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। हमारे चैनल अलीगढ़ बजेज एनफिनिटी को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी सब लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों आप देख रहे हैं अलीगढ़ बजेज एनफिनिटी चैनल को, मेरा नाम है आसिम पठान। कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि भाई वो बच्चे दिखाइए जो बॉक्स में निकले थे, क्या हुआ उन बच्चों का, जिंदा है या मर गए। तो मैं आपको सारे बच्चे दिखाता हूँ। कुछ लोगों के जहन में एक डाउट होता है कि बॉक्स में तो जो एग्स होते हैं वो लुढ़कते रहते हैं, एक जगह ठहरते ही नहीं है, तो बच्चे कैसे निकलेंगे और पल पाएंगे या नहीं पल पाएंगे, और अगर बच्चे पलते हैं तो उनके जो पैर हैं वो फैल जाएंगे। तो ये सब सवाल होते हैं लोगों के जहन में, तो मैं आपको वन बाई वन सारे बॉक्स दिखाऊँगा। कहीं मत जाइएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं मादी ने फिर से अंडा दे दिया है और ये चार बच्चे बड़े हो चुके हैं। इसका एक भाई बाहर आ चुका है, इसमें टोटल पांच थे, वो बड़े होके बाहर आ गया। और दोस्तों इसके अंदर देखते हैं, तीन बच्चे हैं ये बड़े हो चुके हैं, इसमें पांच थे, पांच में से दो बाहर आ गए और ये तीन बचे हैं। इसके अंदर दोस्तों चार बच्चे हैं और इसमें आप देख सकते हैं कोने वाले की सेहत देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड पर है कितना बड़ा हो चुका है माशाल्लाह। और ये चार बच्चे हैं, साइज उसका बहुत अच्छा है। इसके अंदर दोस्तों एक दो तीन बच्चे थे, इसमें एक बच्चा शायद ये कोने में है। इसके अंदर चार बच्चे हैं माशाल्लाह, चारों के चारों हेल्दी हैं, अच्छे हैं। ये भी बस 15 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे बड़े होके। इसके अंदर दोस्तों बच्चे निकलना शुरू हो चुके हैं, इसमें तीन बच्चे थे, एक सामने है और दो मादी के नीचे। इसके अंदर चार थे, दो रह गए और दो बड़े होकर बाहर आ गए हैं। इसके अंदर तीन हैं और तीनों माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, सब में रुआ आता है, सब बच्चों में मेरे यहाँ रुआ आता है, कोई ऐसा नहीं है जो अनहेल्दी हो माशाल्लाह। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं 7-8 बच्चे इसके अंदर भी हैं, 8 बच्चे हैं माशाल्लाह। दो बच्चे दोस्तों इसमें हैं, इसमें पांच बच्चे थे, तीन बच्चे दोस्तों इसके मर गए, पता नहीं कैसे मर गए, समझ नहीं आया तीन बच्चों के मरने का। इसमें देखें दोस्तों, इसमें सब तैयार हो चुके हैं, 7 बच्चे इसके अंदर हैं। इन सब के कलर देखिए माशाल्लाह, ज़बरदस्त कलर हैं, ज़बरदस्त साइज़ है और सब मादी ने बहुत अच्छी तरह बच्चे पाले हैं। इसके अंदर दोस्तों तीन बच्चे हैं, तीनों माशाल्लाह ज़बरदस्त सेहत देखें आप, सब बच्चे माशाल्लाह से बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ रहे हैं। इसमें दो बच्चे दोस्तों इसमें हैं, एक बच्चा इसमें है, एक बच्चा इसमें ऊपर से गिर गया था तो वो गिरने के बाद उसकी टांग टूट गई और वो मर गया कुछ ही दिन में। इसमें दोस्तों एक बच्चा इसमें है, ये काफ़ी लेट अंडा दिए थे इसने, तो एक बच्चा काफ़ी देर से बड़ा हो रहा है और एक बच्चा इसके साथ का बाहर आ गया। दो बच्चे इसने भी निकाले थे, कुछ कुछ मादियों ने दो दो बच्चे निकाले हैं, कुछ ने एक निकाला है, किसी ने 10 निकाले हैं, तो किसी ने 11 निकाले हैं, किसी ने 8 निकाले हैं, इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। इसमें दोस्तों 6 बच्चे हैं। इसमें दोस्तों देखिए, आपको दिखाने के लिए मैंने मटकियां भी लगा रखी हैं, क्योंकि कुछ लोग समझते होंगे कि आसिम साहब ने मटकियाँ हटा दी हैं, सिर्फ बॉक्स लगा रखे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बॉक्स में अच्छी भीड़ होती हो। देखें आप, इसमें भी बच्चे निकले हैं, दो बच्चे इसमें हैं, 6 उसमें भी दिखाए मैंने आपको। दोस्तों बच्चे सब में निकलते हैं, मटकी और बॉक्स में। थोड़ा मैं बॉक्स का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि ज़्यादा बच्चे इसमें अच्छी तरह पल जाते हैं। ये देखें दोस्तों, 2-3-4-5 बच्चे इसके अंदर भी हैं माशाल्लाह।
सब के सब माशाल्लाह से हेल्दी हैं, मादियाँ बहुत अच्छी तरह इनकी केयर कर रही हैं, कोई बच्चा भूख से नहीं मरा इस बार, अगर कोई मर गया तो मच्छर से मरा है कोई, तो कोई गिरने से मर गया, वरना भूख से कोई बच्चा नहीं मरा है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं 5 बच्चे इसके अंदर भी हैं, पांचों के पांचों ग्रोथ पकड़ रहे हैं। और कंद साहब, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप देख सकते हैं ये मादी मैंने आपके यहाँ से उठाई थी, 4 मादियाँ, और चारों के चारों ने ब्रीड कर दी है। देखिए इसने अंडे दे दिए हैं, और कंद साहब देखिए इसने भी बच्चे दे दिए हैं, अंडे दे दिए हैं। ये भी मादी मैंने आपके यहाँ से ली थी, आपके यहाँ ब्रीड नहीं कर रहे थे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर इस पर रिप्लाई करिएगा, आप कह रहे थे कि हम आपके यहाँ ब्रीड नहीं कर रहे, देखिए ब्रीड कर रहे हैं, बच्चे भी निकाल दिए। और भी मैं आपकी मादी दिखाता हूँ कौन कौन सी मादी थी। देखिए ये मादी भी आपके यहाँ से मैंने उठाई थी, देखिए इसने भी बच्चे निकाल दिए, माशाल्लाह अंडे दे दिए। तो मेरे भाई सब चीज़ केयर से होती है, सिर्फ मादी लाकर छोड़ने से बच्चे नहीं देते, आपको केयर भी करनी पड़ेगी। और ये देखिए माशाल्लाह ये अपने बच्चे को फीड करा रहा है, मेल यानी कि इसके फादर अपने बेटे की खातिरदारी कर रहे हैं। दोस्तों देखिए 2 बच्चे इसने भी बड़े कर दिए, इसके 3 बच्चे थे, 1 बच्चा इसका मर गया तो 2 बच्चे बचे। ये देखिए ये घर की फीमेल है, अभी अंडों पर है ये, माशाल्लाह 3 बच्चे इसके भी हैं, इसके 3 ही बच्चे निकले थे और तीनों पल गए। दोस्तों इसके अंदर भी दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर माशाल्लाह 5 बच्चे इसके अंदर, 6 बच्चे इसके अंदर हैं, 6 टोटल बच्चे हैं इसमें, ये भी बड़े होने वाले हैं बस कुछ ही दिन में। ये दिखाता हूँ मैं आपको, इसके अंदर तैयार हो चुके हैं, 5 बच्चे इसके अंदर हैं, 5ों तैयार हो चुके हैं, कुछ कुछ बच्चे बाहर भी आ चुके हैं बड़े होकर। ये देखें माशाल्लाह 3 बच्चे इसके अंदर भी हैं, ये भी बस कुछ दिन में बड़े हो जाएंगे। और ख़ास तौर से दोस्तों इसकी खासियत बताऊंगा, बच्चे बड़े होते ही दोबारा अंडे दे देते हैं, बजरी में खासियत होती है। इसने भी बच्चे निकाल रखे हैं, मैं दिखाता हूं आपको, ये ऐसे नहीं हटेगी। दो बच्चे इसके भी हैं, बाकी 2 अंडे हैं, देखते हैं क्या निकलता है इसमें। 4 बच्चे दोस्तों इसके अंदर हैं, और ये चारों बच्चे 10 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे। इसमें माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और मादी बैठी है। दोस्तों इसके अंदर देख सकते हैं आप, 5 बच्चे इसके अंदर हैं और 2 अंडे पड़े हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर भी बच्चे हैं, टोटल 4 बच्चे हैं इसके अंदर, एक छोटा है, ये इसको मैं कहीं और शिफ्ट करूंगा। तो ये है ओवरऑल प्रोग्रेस, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।